खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में हुई दो दिनों पूर्व नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आपको हम बता दें कि यह मामला सुल्तानपुर के बलदिया थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 10 सितंबर को घर के बाहर खेल रही 8 वर्षीय मासूम बच्ची को पड़ोस के रहने वाले 15 वर्षीय किशोर ने बहला फुसला कर अपने घर बुलाया और दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी तो किशोर मौके से फरार हो गया। वहीं चीख पुकार सुनकर सब लोग वहां इकट्ठा पहुंचे तो इस वारदात को देखकर दंग रह गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, साथ ही मासूम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ रविवार को पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही चंद घंटों के भीतर ही युवक को हिरासत कर रविवार को जेल भेज दिया। वहीं मासूम बच्चे को बेहतर इलाज और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा बयान की तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर। बल्दी रात थाने के अंतर्गत एक घटना हुई थी 7 साल बच्ची के साथ, क्या मामला था? ये 10 तारीख को अभी सितंबर माह में बल्दी राय के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म के तहरीर मिली थी और उस पर अपराध पंजीकृत किया गया। क्राइम नंबर 295/22 अंडर सेक्शन 376 IPC और 5/6 के अंतर्गत इसमें पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसका समुचित इलाज चल रहा है और जो आरोपी था एक लड़का उसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा। बच्ची का क्या हाल चाल है, कैसी है? पीड़िता सही है, पीड़िता उस समय भी नॉर्मल थी और आगे के उसका जो जितनी भी मेडिकल जो कराया जाता परीक्षण